लगता है राजनीति में नेताओं की बयानबाजियों का कोई मायने नहीं है। अभी 10 दिन पहले मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और 2 दिन बाद ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया, जिसमें 1.5 रुपए सरकार की तरफ से कम किए गए और 1 रुपए तेल कंपनी को कम करने के लिए कहा गया। सरकार ने 1.5 रुपए जरूर कम किया, लेकिन उसमें पहले 23 पैसे भी बढ़े थे, यानी सरकार ने केवल 1.27 रुपए ही अपने खजाने से दिए, जबकि नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच क्रूड सस्ता होने पर केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इस दौरान पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 11.77 और डीजल पर ड्यूटी में 13.47 रुपए का इजाफा किया गया। 3 साल में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र की कमाई 2 गुनी से भी ज्यादा हुई। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से 2014-15 में केंद्र सरकार ने 99,184 करोड़ रुपए कमाए, तो 2017-18 में ये राशि बढ़कर 2.29 लाख करोड़ रुपए हो गई। पेट्रोल और डीजल से कमाई में दिल्ली सरकार भी पीछे नहीं है। केजरीवाल सरकार वैट से ही हर महीने 15 से 20 करोड़ रुपए ज्यादा कमा रही है। अभी पेट्रोल की जो कीमतें दिल्ली वाले चुका रहे हैं, लाखों में करोड़ों की कमाई करने के बाद बीजेपी दिल्ली सरकार से पेट्रोल पर हर डीजल पर 10 रुपए कम करने को कह रही है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 2 सालों में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। यह है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। डीजल उत्तर प्रदेश में 71 रुपए है और दिल्ली में 72.95 रुपया है। शर्म करिए अरविंद केजरीवाल जी, आपका वैट पूरे देश के अन्य स्टेट की तुलना में इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है आप एमसीडी में जो हारे थे उसका बदला ले रहे हो दिल्ली से। राजनीति में नेताओं के बयानों के साथ साथ वादों की भी कोई अहमियत नहीं होती। एमसीडी चुनाव के वक्त बीजेपी के सांसदों ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड नहीं देगी तो सांसद खुद केंद्र सरकार से पैसा लेकर आएंगे, पर आज सांसद से लेकर एमसीडी के मेयर तक मीडिया के सामने पैसों के लिए दिल्ली सरकार को कोसते नजर आए। पैसों को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों एक दूसरे का चिट्ठा खोलती दिखी। मैं आप लोगों के सामने केजरीवाल जी ने जो कल पेपर में दिया कि मैंने ईस्ट एमसीडी को 7 करोड़ रुपए दिया और 7 करोड़ रुपए कहाँ गया, एमसीडी के लोग उस पैसे को खा रहे। मैं मीडिया के माध्यम से केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि निगम ईमानदारी से काम कर रही है और निगम में जो काम करने वाले साथी हैं वो सच्चे सिपाही के सेवक हैं। राजनीति में जनता से किए गए वादे पूरे हों या ना हों, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में सब माहिर होते हैं। ये बात अलग है कि महंगाई की मार भी यही देते हैं और फिर मरहम लगाकर राहत देने की बात भी तो यही करते हैं। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।